चलिए छात्रों, चलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में अधिशोषण और अवशोषण के बारे में, तो एक लास्ट चैप्टर चल रहा है हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पृष्ठीय रसायन। और पृष्ठीय रसायन में हम लोग सीखे थे कि अधिशोषण किसको कहते हैं, अवशोषण किसको कहते हैं, उसका फिगर भी हम लोग पढ़ लिए थे, देख लिए थे फिगर कैसे बनता है। चलिए तो अब हम लोग आगे का जो टॉपिक्स है उसको पढ़ते हैं। तो आगे वाले जो उत्प्रेरण है उसके पहले जरा देख लेते हैं क्या है। तो उसके बाद जो टॉपिक्स है हम लोग का वो अधिशोषण के प्रकार है। तो सबसे पहले टॉपिक लेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए अधिशोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। अधिशोषण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। यानी पहले छात्रों अधिशोषण के कितने टाइप्स होते हैं, तो अधिशोषण बिल्कुल दो टाइप्स का होता है। एक का नाम है भौतिक अधिशोषण और दूसरा का नाम है रासायनिक अधिशोषण। तो चलिए अब हम लोग भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, अंतर को लिखें। हालांकि सबसे पहले हम लोग स्पेशल समझेंगे कि भौतिक अधिशोषण किसको कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण किसको कहते हैं, तब जाकर हम लोग डिफरेंस देखेंगे, तब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखेंगे। फिलहाल ये जो दो टाइप्स का अधिशोषण के प्रकार है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक सर फर्स्ट में भौतिक अधिशोषण, यानी भौतिक अधिशोषण का टॉपिक बनाएंगे, उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे भौतिक अधिशोषण में। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडर वाल्स बल जैसे अधिशोषित वनु अणु वांडर वाल बल है, बताते हैं क्या है। वांडर वाल बलों जैसे कमजोर बल द्वारा चिपके रहते हैं तो ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। अब टॉपिक बनाएंगे रासायनिक अधिशोषण, लिखा जाए रासायनिक अधिशोषण टॉपिक बनाकर उसके नीचे फर्स्ट एरो, एक ही एरो है इसका भी लिखेंगे भौतिक अधिशोषण के विपरीत जब अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं या चिपके रहते हैं उन्हें रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। उन्हें
रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो अधिशोषण का मुख्यतः दो प्रकार है, एक का नाम है भौतिक अधिशोषण और एक का नाम है रासायनिक अधिशोषण। अब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे जस्ट। हालांकि हम लोग जो परिभाषा लिखे हैं उसको जरा सा समझते हैं। देखिए जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग सीखे हैं, अधिशोषण का मतलब क्या है छात्रों, क्या होता है? अधिशोषण का मतलब होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसपे द्रव या गैस का चिपकना, चारों तरफ से चिपकना, सतह पर चिपक जाना, वो क्या कहलाता है? अधिशोषण। एक टर्म होता है अवशोषण। प्यारे छात्रों अवशोषण किसको कहते हैं? जो किसी वस्तु के अंदर तक प्रवेश कर जाए द्रव या गैस के अंदर, जैसे कि पेंट, हम एग्जांपल में समझे थे। तो अधिशोषण और अवशोषण का मतलब समझना है। अधिशोषण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के सतह पर कोई द्रव या गैस के अणु का चिपक जाना, उसके सतह से सतह पर रहना, जिसको बोल सकते हैं। तो हम लोग अधिशोषण के बारे में पढ़े हुए हैं। अब ये दो टाइप्स का पाया जाता है, एक का नाम है भौतिक और एक का नाम होता है रासायनिक। आपको पता होना चाहिए कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में कमजोर अधिशोषण होता है भौतिक, और रासायनिक अधिशोषण ये बहुत मजबूत होता है। यानी कि भौतिक अधिशोषण एक कमजोर अधिशोषण है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक मजबूत अधिशोषण है। अब ये इसको हम कमजोर बोल रहे हैं, इसको हम मजबूत बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें भी चिपकता है, इसमें भी पृष्ठ पर चिपकता है, लेकिन इसमें कमजोर बल द्वारा चिपकता है। यानी कि भौतिक अधिशोषण कुछ टाइम के बाद खत्म भी हो सकता है। जैसे कि अक्सर कुछ ऐसे भी वस्तु है जिसमें हम लोग पेंट करते हैं, कुछ दिनों के बाद साल दो साल में वो पेंट झड़ जाता है। इसका मतलब क्या? भौतिक अधिशोषण। और हम लोग को जो बाइक वगैरह पे पेंट चढ़ता है वो कई कई दिनों तक रहता है, रासायनिक अधिशोषण। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे कमजोर बल से अगर किसी वस्तु पे कोई भी द्रव गैस चिपक रहा है वो कहलाएगा भौतिक अधिशोषण। लेकिन अगर कोई वस्तु पे मजबूत बल द्वारा कोई द्रव या गैस चिपक रहा है तो उसको हम बोलेंगे रासायनिक अधिशोषण। और इसका मतलब तो समझ में, एक कमजोर है और ये मजबूत है। अब एक बल का नाम याद रखना है कि कमजोर बल का नाम ही है वांडरवाल बल, वांडरवाल बल। इसका बल, कमजोर बल का नाम है वांडरवाल बल, और मजबूत बल का नाम है कौन सा? तो मजबूत बल का नाम है रासायनिक बल या रासायनिक बंधन। यानी कि जो रासायनिक बंधन है वो वांडरवाल के मुकाबले बहुत मजबूत है, और वांडरवाल जो है रासायनिक बंधन के अपेक्षा बहुत कमजोर है। यानी कि हम ये अब पूरा का पूरा डेफिनेशन समझ में आया होगा, वह अधिशोषण जो वांडरवाल बल जैसे वांडरवाल जैसे कमजोर बल द्वारा पृष्ठ पर चिपके रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। वह अधिशोषण जो रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बंधन द्वारा, मजबूत बल द्वारा अगर चिपके रहते हैं हम लोग उसको कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो अब इसको समझने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये बिल्कुल पूछता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो अब हम लोग टॉपिक देंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ये वीवीआई पॉइंट्स है, इसको करेंगे वीवीआई, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण टॉपिक बनाएंगे, और उसके बीचों बीच एक रेखा खींचेंगे। एक तरफ लिखेंगे भौतिक अधिशोषण और एक तरफ लिखेंगे
रासायनिक अधिशोषण। अब इसका नंबर वन लिखेंगे तो इसका नंबर वन लिखेंगे, यानी कि हम बारी बारी से बोलेंगे कि भौतिक में लिखा जाए तो भौतिक में, रासायनिक के नंबर वन तो रासायनिक का नंबर वन, भौतिक का नंबर टू तो रासायनिक का नंबर टू, ऐसे हम लोग अंतर लिखेंगे। चलिए बोलते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। पहला लिखेंगे भौतिक का पहला में, इसमें इसमें अधिशोषण की ऊष्मा, इसमें अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। देखिए किलो जूल, के जे मोल के पावर माइनस वन, किलो जूल प्रति मोल बढ़ेंगे, यानी कि भौतिक अधिशोषण का पहला लिखेंगे, इसमें अधिशोषण की ऊष्मा कितना से कितना होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। अब रासायनिक में पहला लिखेंगे, इसमें अधिशोषण की ऊष्मा, इसमें अधिशोषण की ऊष्मा 40 से 400 किलो जूल पर मोल होता है, 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। अब भौतिक का दूसरा, इसमें ताप बढ़ने से, इसमें ताप बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा घटती है, अधिशोषण की मात्रा घटती है, इसमें ताप बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा घटती है। अब इसका दूसरा नंबर में लिखेंगे, यह निश्चित ताप तक बढ़ता है, निश्चित ताप तक बढ़ता है तथा फिर घटने लगता है, फिर घटने लगता है, तथा फिर घटने लगता है। अब भौतिक अधिशोषण का थर्ड पॉइंट लेंगे, भौतिक अधिशोषण का तीसरा पॉइंट, इसमें लिखेंगे यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय बताते हैं, समझाएंगे, पहले आप लिखते चलिए, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इसका तीसरा लिखेंगे, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब क्या होता है उत्क्रमणीय, क्या होता है अनुत्क्रमणीय बताएंगे, जस्ट वेट। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, भौतिक का तीसरा लिखे होंगे, रासायनिक का अधिशोषण का तीसरा लिखेंगे, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब हम लोग चार नंबर में लिखेंगे, भौतिक का चौथा में, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का वेग बढ़ जाता है, दाब अगर बढ़ाएंगे तो अधिशोषण का वेग जो है बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का वेग बढ़ जाता है। फिर इसमें लिखेंगे, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का वेग घट जाता है या कम हो जाता है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का वेग घट जाता है, कम हो जाता है, घट जाता भी है लिख सकते हैं या कम हो जाता भी है लिख सकते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पांचवा अंतर, भौतिक अधिशोषण का पांचवा डिफरेंस, फिर लिखेंगे यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है
यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसमें लिखेंगे पांचवा में, रासायनिक बंधन बनाने वाले रासायनिक बंधन बनाने वाले गैसों की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। रासायनिक बंधन बनाने वाले गैसों के प्रकृति पर ही निर्भर करता है। इसमें लिखे होंगे कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें ये लिखे कि जो गैस रासायनिक बंधन बनाता होगा उसी पर अभिक्रिया पर निर्भर करता है। चलिए, तो अब दोनों में पांच पांच डिफरेंस हम लोग कर लिए। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे सवाल भी आता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले ये तो एक यूनिट वैल्यू है प्यारे छात्रों, यानी कि इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना मान है, होता है इसका ऊष्मीय मान। तो पहला बात याद रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण में जो ऊष्मीय का मान होता है, ऊष्मा का मान, वो 20 से लेकर 40 के बीच में होता है, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल। हालांकि रासायनिक अधिशोषण चूंकि अधिक मजबूत है, इसलिए देख रहे हैं 40 से लेकर 400 तक होता है। हम लोग इसके पहले पढ़े कि भौतिक अधिशोषण एक कमजोर बल द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे कि वांडरवाल बल, लेकिन रासायनिक अधिशोषण एक मजबूत बल है। तो ऐसा करिए, लिखिए छठा नंबर में, लिख ही लीजिए छठा नंबर में, यह कमजोर बल से जुड़ा हुआ होता है। छठा नंबर में अंतर में, यह कमजोर बल द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और इसमें लिखिएगा यह मजबूत बल द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यह मजबूत बल द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, आप चाहें तो अंतर में यह भी लिख सकते हैं कि इसमें कमजोर बल का नाम क्या है, वांडरवाल बल, इसमें मजबूत बल का नाम क्या है, रासायनिक बंधन। तो यहां पे अब 7 नंबर, ताकि याद करने में बहुत आसान पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए अब इतना सारा अंतर हम लिखवाए, आप कोई भी 3-4 लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7वां नंबर में लिखेंगे अंतर, 7वें नंबर में, यह भौतिक वाले में यह वांडरवाल जैसे बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यह वांडरवाल बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें लिखिएगा ये रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े हुए होते हैं, रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब छोटा छोटा अंतर है जिसको आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब दूसरा नंबर क्या अंतर लिखें कि जब इसमें ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण क्या होगा, घटेगा, लेकिन उसमें अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो निश्चित ताप तक बढ़ेगा और फिर क्या होता है, घटने लगता है। जैसे मान लिया निश्चित ताप का मतलब, जैसे हमको जाना है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो 100 तक जाएगा और फिर वापस लौटने लगेगा, लेकिन जैसे ही ताप यहां बढ़ाएंगे तो ये हमेशा घटना ही शुरू कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तब तक बढ़ता है जब तक वो निश्चित ताप तक नहीं पहुंच जाता है और फिर क्या होता है, घटने लगता है। तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अभिकारक से प्रतिफल बनना और प्रतिफल से अभिकारक। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, रासायनिक गतिकी में वहां पे पढ़े हुए थे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। तो उत्क्रमणीय किसको बोलेंगे, जो अभिकारक से प्रतिफल बने और प्रतिफल से अभिकारक बने, यानी कि उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय किसको बोलते हैं, जो अभिकारक से प्रतिफल बनता है। जैसे आप चीजों को समझिएगा, जैसे मान लिया सपोज दैट कोई ए और बी है, ए एक अभिकारक है, इससे बी बन रहा है। अब इसी को हम लोग दिखाने के लिए इस साइन का प्रयोग करते हैं, ये हुआ अभिकारक और बी है प्रतिफल, और अभिकारक से जब प्रतिफल बन रहा है और फिर प्रतिफल से अभिकारक बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्क्रमणीय। जी हाँ, इसका नाम है उत्क्रमणीय।
लेकिन अनुत्क्रमणीय किसको कहते हैं, तो जो सिर्फ और सिर्फ अभिकारक से प्रतिफल बनता है उसको हम लोग बोलेंगे अनुत्क्रमणीय। तो आपको याद रखना होगा कि भौतिक अधिशोषण किस तरह का अभिक्रिया है, तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। हालांकि रासायनिक अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब जरा आगे का बात करते हैं, इसमें चौथा नंबर जो डिफरेंस है, दाब को अगर बढ़ाया जाए तो अधिशोषण भी क्या है, बढ़ता है, लेकिन इसमें दाब को बढ़ाने से अधिशोषण घटता है। याद रखिएगा, इसमें जब दाब को बढ़ा रहे थे तो अधिशोषण घट रहा था, दूसरा नंबर में लिखे थे, लेकिन दाब अगर बढ़ाएंगे तो भौतिक में अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन इसमें अगर दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण घटता है, अधिशोषण का वेग घट जाता है, लेकिन इसमें ताप अगर बढ़ाते हैं तो निश्चित ताप तक बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत घटने लगेगा। ताप को लेकर बिल्कुल इस बात को जरूर मेंटेन करना है कि निश्चित ताप तक बढ़ता है और फिर घटता है। फिर पांचवा नंबर में लिखे होंगे कि यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये गैस की, सभी तरह की गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण उसी गैस पर निर्भर करेगा जिसमें रासायनिक बंधन बनेगा, इसीलिए तो ये मजबूत बल होता है। यानी कि आप इसमें लिखिएगा कि ये सभी तरह की गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसी गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें रासायनिक बंधन बनता है। अच्छा, फिर अगर बात करें तो ये इसमें आगे तो लिखे हुए आपको समझाकर कि भौतिक अधिशोषण एक कमजोर बल है और जबकि रासायनिक अधिशोषण एक मजबूत बल है, और कमजोर बल का नाम क्या है, तो कमजोर बल का नाम वंडरवाल बल है और मजबूत बल का नाम जो है रासायनिक बंधन है। तो इस तरह से इन चीजों को बिल्कुल आपके पास सात सात डिफरेंस है, अब सात में से कोई तीन चार पांच लिख दीजिएगा जो आपको आसान लगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अंतर जब कभी भी आता है ना तो तीन से चार या पांच इतना काफी होता है, मैक्सिमम तीन चार ही लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग किए। अब हम लोग आगे का टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग आइए पढ़ते हैं अधिशोषण समताप के बारे में, कि अधिशोषण समताप क्या है। चलिए टॉपिक देंगे अधिशोषण समताप, अधिशोषण समताप, अधिशोषण समताप का फर्स्ट एरो देंगे, पहले लिख लेंगे उसके बाद लिखा जाए। अधिशोषण अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा ब्रैकेट में m, अधिशोषित गैस की मात्रा ब्रैकेट में m कॉमा कॉमा गैस के दाब ब्रैकेट में p, कॉमा के बाद लिखिएगा गैस के दाब ब्रैकेट में p, फिर से कॉमा ताप ताप ब्रैकेट में कैपिटल T, ताप ब्रैकेट में कैपिटल T पर निर्भर करता है पूर्ण विराम, अतः अधिशोषित गैस की मात्रा दाब और ताप का फलन होता है, दाब और ताप का फलन होता है, अर्थात m इज इक्वल टू f ऑफ pt, अर्थात में लिखेंगे m बराबर f ऑफ pt, जहां m क्या है, तो गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा, और ये क्या है, गैस का दाब, और ये क्या है t, तो ये है ताप। चलिए अब जरा समझते हैं कि अधिशोषण समताप क्या होता है।
अधिशोषण समताप किसको कहते हैं? तो अधिशोषण समताप को समझने के लिए इसमें तीन चीज का यूज होता है प्यारे छात्रों, एम का, पी का और टी का। जहां एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है गैस की मात्रा, कि वो उसकी मात्रा कितना है, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम कुछ तो उसकी मात्रा होगी ना। पी का मतलब क्या, उस गैस का कितना दाब है, गैस का दाब, और उसका ताप यानी कि टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना है। यानी कि अधिशोषण समताप किसको कहते हैं, तो गैस अधिशोषित जो गैस की मात्रा है वो एम पी और टी पर निर्भर करता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो गैस की मात्रा है वो गैस का दाब और ताप का क्या होता है, फलन होता है, यानी कि फंक्शन। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना मैथ्स में, y बराबर f ऑफ y बराबर f ऑफ x, इसका मतलब फंक्शन होता है x में, इसी फंक्शन का हिंदी में बोलते हैं फलन। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि गैस की मात्रा जो m है वो p और t का फंक्शन है। तो p और t का फंक्शन का मतलब फलन है, p और t का फलन है। तो अधिशोषण समताप किसको कहते हैं, तो अधिशोषण समताप में यही बात याद रखिएगा कि गैस की मात्रा जो है पी और टी में फलन होता है। जरा इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ क्या बताता है। इसका ग्राफ इसके नीचे लिखिएगा, अर्थात में जो लिखे थे, मान लिया कि एक तरफ पी है, पी मतलब, या मान लिया एम है, गैस की मात्रा है एक तरफ, और दूसरे तरफ इधर पी है, यानी कि दाब है एक तरफ और दूसरे तरफ गैस की मात्रा है, और इधर टेम्परेचर है। टेम्परेचर का बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे -30 डिग्री सेल्सियस, यहां पे 75 डिग्री सेल्सियस। ये सब क्या बता रहे हैं, टी बता रहा है, यानी कि ताप बता रहा है। हालांकि ताप केल्विन में लिया जाता है, तो सबको केल्विन केल्विन बना दीजिए कि ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है, केल्विन, तो -30 केल्विन। ठीक है, अब तीनों पॉइंट जो दिख रहा है ये क्या है, टी है, और यहां पे गैस की मात्रा है, यहां पे दाब है, और यहां पे मूल बिंदु है। अगर मूल बिंदु से अगर तीनों को मिलाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कि ग्राफ में जो है गैस की मात्रा पी, एम और पी के बीच जो टी का ग्राफ है, यही ग्राफ को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण समताप, अधिशोषण समताप। यानी कि ये बहुत छोटा बात था, हालांकि ये कभी पूछता नहीं है। अगर सवाल कोई बोलेगा कि अधिशोषण समताप क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि एम और पी के बीच खींचा गया टी का ग्राफ, टी का ग्राफ मतलब ताप का ग्राफ, ताप ही का ना ग्राफ खींचे हैं, तो इसी खींचा गया ग्राफ को, या ग्राफ का मतलब लेखा चित्र, ग्राफ का हिंदी होता है, ग्राफ इज अ इंग्लिश वर्ड, ग्राफ का हिंदी क्या होता है, लेखा चित्र। तो खींचा गया लेखा चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण समताप। यानी कि एम पी और टी के बीच खींचा गया जो ग्राफ है, लेखा चित्र है, उसको अधिशोषण समताप कहते हैं। तो उसके नीचे एरो देंगे, फिगर बनाने के बाद एरो देंगे, लिखा जाए ताप को स्थिर करके, ताप को स्थिर करके दाब को परिवर्तित करने पर, दाब को परिवर्तित करने पर कॉमा एम और पी के बीच, एम और पी के बीच खींचा गया, खींचा गया लेखा चित्र को, खींचा गया लेखा चित्र माने ग्राफ को अधिशोषण समताप कहते हैं, अधिशोषण समताप कहते हैं। तो बिल्कुल वही बात को लिखे हैं जो हम ये समझाए हैं।
अच्छा इसके बाद अधिशोषण संताप से रिलेटेड तो सवाल नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड एक छोटा सा बात पूछता है। अधिशोषण संताप के बारे में सीखे, अब इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक सर्च करना शुरू किए, तो इसके बारे में दो वैज्ञानिक का नाम आता है, जैसे कि न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, वैसे ही अधिशोषण संताप के बारे में दो वैज्ञानिक का नाम आता है, एक का नाम है फ्रेंडलिक और एक का नाम है लैंगमूर। तो अधिशोषण संताप के बारे में दो वैज्ञानिक का कुछ न कुछ बात कहना है, जैसे फ्रेंडलिक साहब ने अधिशोषण संताप के बारे में कुछ बात बतलाया, फिर लैंगमूर साहब ने अधिशोषण संताप के बारे में कुछ बात बताया। तो हम लोग दोनों के बारे में अलग अलग चीज करके पढ़ेंगे कि फ्रेंडलिक ने अधिशोषण संताप के बारे में क्या बताया, लैंगमूर ने अधिशोषण संताप के बारे में क्या बताया, यानी कि एक अलग अलग टॉपिक हो जाएगा फ्रेंडलिक का अधिशोषण संताप, फिर पढ़ेंगे लैंगमूर का अधिशोषण संताप। तो यहां तक के क्लास को आज एंड करते हैं, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे फ्रेंडलिक का अधिशोषण और लैंगमूर का अधिशोषण। धन्यवाद।